हेलो फ्रेंड, नेटिंग डिज़ाइन में देखिए, बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा हमारा दो कलर का डिज़ाइन। ये तिरछी तिरछी लाइन गई हुई है, बहुत ही प्यारे और सिंपल से डिज़ाइन। आप किसी भी स्वेटर, जैकेट, कार्डिगन पे बनाइए, पुलोवर पे, किसी भी प्रोजेक्ट पे बनाइए। बहुत ही खूबसूरत और सिंपल सी हमारी ये डिज़ाइन है। और देखिए यहाँ पे जो ये एक लाइन बनी हुई है, ये एक स्क्वायर बना हुआ है। तो इसमें पहले हमारा एक फंदा है, फिर ब्लैक के थ्री फंदे हैं, तीन फंदे, फिर पांच है, सात है, फिर इसके बाद पांच, तीन और एक हो गया है। तो इस तरह से ये तिरछी धारी इधर गई है और बीच वाला एक ये हमारा स्क्वायर है। ये फोर फंदे ब्लैक के हैं और फोर लाइन बनी हुई है। फिर ये फोर लाइन के बाद यहाँ पे फिर हमारे ये फोर फंदे ब्लैक हैं और फोर लाइन। तो इस तरह से ये दो डिज़ाइन ये धारी धारी बनी हैं, बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइन। तो आइए मैं इस डिज़ाइन को आपको बनाना सिखाती हूँ। और देखिए यहाँ पे हमने एक दूसरा कलर कॉम्बिनेशन ले लिया है, जिसमें यही डिज़ाइन मैं आपको बता रही हूँ। और इसे बनाने के लिए हमें 16 के मल्टीपल फंदे चाहिए। तो 16 के मल्टीपल फंदे लेंगे तो ये डिज़ाइन सेट हो जाएगी। आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से फंदे डालिए, बॉर्डर बनाइए। एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी बनाने के बाद इस डिज़ाइन को हम स्टार्ट कर देंगे। तो आइए देखते हैं इसकी फर्स्ट रो। और इसमें देखिए सबसे पहले हमारा बेस कलर रेड आएगा, 1, 2, 3, 4 फंदे रेड। और यहाँ दूसरा कलर हमने क्रीम कलर लिया है, एकदम लाइट येलो। आप कोई सा भी कलर कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। ये 1, 2, 3, 4 फंदे क्रीम। तो 4 हमने रेड से किया, 4 फंदे क्रीम, 1 रेड, 1 क्रीम, 1, 2, 3, 4, 5 फंदे रेड, 1 क्रीम। अब हमें इस 4 रेड से लेकर 1 क्रीम तक के डिज़ाइन को रिपीट करना है। तो कैसे करेंगे ये देखिए। सबसे पहले हमारा 4 रेड है, तो 1, 2, 3, 4 हम रेड से करेंगे, 1, 2, 3, 4 फंदे क्रीम, 1 रेड, 1 क्रीम, 1, 2, 3, 4, 5 फंदे रेड, 1 क्रीम। तो इसी तरह से देखिए हमें फंदों को बार बार रिपीट करना है। ये देखिए अब हम रो 2 पे हैं और इसमें 1, 2 फंदे हम क्रीम के करेंगे, 1, 2, 3 फंदे रेड, 1 क्रीम, 1, 2, 3 रेड, 1, 2, 3 फंदे क्रीम और इस 4 रेड को रेड कलर से 1, 2, 3, 4 फंदे रेड। अब हम 2 क्रीम से लेकर 4 रेड तक की डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। तो फिर एक बार रिपीट करते हैं बैक साइड से भी, 1, 2 फंदे क्रीम, 1, 2, 3 फंदे रेड, 1 क्रीम, 1, 2, 3 रेड, 1, 2, 3 फंदे क्रीम, 1, 2,
3, 4 फंदे रेड। तो देखिए इसी तरह से हमें फंदों को देखते हुए बार बार रिपीट करना है। ये देखिए रो नंबर 3 में शुरू के इस 4 रेड को हमें रेड से करना है। 1, 2, 3, 4 फंदे रेड। 1, 2 फंदे क्रीम के हो गए। 2 क्रीम के बाद देखिए 1, 2, 3, 4, 5 फंदे रेड के, 1 क्रीम, 1 रेड, 1, 2, 3 फंदे क्रीम। अब हमें 4 रेड से लेकर 3 क्रीम तक की डिज़ाइन रिपीट करनी है। ये हमारी रो 4 है और इसमें देखिए 1, 2, 3, 4 फंदे क्रीम के हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फंदे रेड। इस क्रीम को 1 क्रीम करेंगे। 1, 2, 3, 4 रेड को रेड कलर से। अब हमें 4 क्रीम से लेकर 4 रेड तक की डिज़ाइन को रिपीट करनी है। ये हमारी रो 5 और रो 5 में देखिए सबसे पहले क्रीम कलर आएगा। 1, 2, 3, 4 फंदे स्टार्टिंग के क्रीम से हो गए। 1 रेड, 1 क्रीम, अब यहाँ बीच में 5 फंदे रेड के। 1, 2, 3, 4, 5 फंदे रेड, 1 क्रीम, 1, 2, 3, 4 फंदे रेड। अब हमें 4 क्रीम से लेकर 4 रेड तक की डिज़ाइन रिपीट करनी है। और ये देखिए यहाँ पे ये 4 रेड का जो चेक बन रहा था अब वो यहाँ पे बनेगा। ये हमारी रो 6 है जिसमें शुरू के इस 4 रेड को हमें रेड से ही बनाना है। 1, 2, 3, 4 फंदे रेड, 1, 2 फंदे क्रीम, 1, 2, 3 फंदे रेड, 1 क्रीम, 1, 2, 3 फंदे रेड, 1, 2, 3 फंदे क्रीम के। अब हम 4 रेड से लेकर 3 क्रीम तक की डिज़ाइन रिपीट करेंगे। ये देखिए रो नंबर 7 जिसमें 1, 2 क्रीम को क्रीम से करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 फंदे रेड, 1 क्रीम, 1 रेड, 1, 2, 3 क्रीम हो गए। अब इस 4 रेड को रेड से बनाएंगे। 1, 2, 3, 4 फंदे रेड के। अब हमें 2 क्रीम से लेकर 4 रेड तक की डिज़ाइन को रिपीट करना है। ये हमारी रो 8 और इसमें भी शुरू के 4 रेड को हमें रेड से बनाना है। 1, 2, 3, 4 फंदे रेड, 1, 2, 3,
4 फंदे क्रीम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फंदे रेड और इस क्रीम को 1 क्रीम करेंगे। अब हमें 4 रेड से लेकर 1 क्रीम तक की डिज़ाइन को रिपीट करनी है। ये हमारी रो 9 है और रो 9 में सबसे पहले 1 हमें रेड से करना है और इस 1 रेड के बाद 1 by 8, 1, 2, 3, 4, 5 फंदे रेड, 1 by 8, 1, 2, 3, 4 फंदे रेड, 1, 2, 3, 4 फंदे वाइट के। अब हमें 1 रेड से लेकर 4 वाइट तक की डिज़ाइन रिपीट करनी है। तो देखिए, ये स्क्वायर वाला चेक एक यहाँ था, उसके ऊपर यहाँ अब बना, अब यहाँ पे ये 4 रेड आ गए, अब इसके ऊपर चेक बनेगा और यहाँ पे ये ट्रेंगल वाला स्क्वायर था, अब यहाँ पे ये बन रहा है। ये देखिए, रो 10 में सबसे पहले 1 हमें रेड से करना है और 1 रेड के बाद 1, 2, 3 फंदे क्रीम। अब यहाँ 4 रेड है, इसे हम रेड से ही बनाएंगे। 1, 2, 3, 4 फंदे रेड, 1, 2 फंदे क्रीम, 1, 2, 3 रेड, 1 क्रीम, 1, 2 फंदे रेड के। अब हमें 1 रेड से लेकर 2 रेड तक की डिज़ाइन को रिपीट करना है। ये हमारी रो 11 और इसमें देखिए शुरू की 1, 2, 3 फंदे हम रेड के करेंगे, 1 क्रीम, 1 रेड, 1, 2, 3 फंदे क्रीम, 1, 2, 3, 4 फंदे रेड, 1, 2 फंदे क्रीम, 1, 2 फंदे रेड के। अब हमें 3 रेड से लेकर 2 रेड तक की डिज़ाइन को रिपीट करना है। ये हमारी रो 12 और जिसमें शुरू की 1, 2, 3 फंदे हम रेड के बनाएंगे, इस क्रीम को 1 क्रीम करेंगे, 1, 2, 3, 4 रेड को रेड से, 1, 2, 3, 4 फंदे क्रीम, 1, 2, 3, 4 फंदे रेड। अब हमें 3 रेड से लेकर 4 रेड तक की डिज़ाइन को रिपीट करना है। ये हमारी रो 13 और इसमें देखिए 1, 2, 3 फंदे हमारे रेड हो गए, 3 रेड के बाद 1 क्रीम, 1, 2, 3, 4 फंदे रेड के, 1, 2, 3, 4 फंदे क्रीम, 1 रेड, 1 क्रीम, 1, 2 फंदे रेड। अब हमें 3 रेड से लेकर
टू रेड तक की डिज़ाइन को रिपीट करना है। और ये देखिए रो 14, इसमें सबसे पहले वन रेड, वन क्रीम, वन टू थ्री फंदे रेड, वन टू थ्री फंदे क्रीम। अब इस फोर रेड को रेड करेंगे, वन टू थ्री फोर फंदे रेड, वन टू फंदे क्रीम, वन टू फंदे रेड के। अब हमें वन रेड से लेकर टू रेड तक की डिज़ाइन को रिपीट करना है। ये हमारी रो 15, जिसमें इस रेड को वन रेड करेंगे, वन टू थ्री फंदे क्रीम। आप इस फोर रेड को रेड कलर से, वन टू थ्री फोर फंदे रेड, वन टू फंदे क्रीम, वन टू थ्री फोर फाइव फंदे रेड, वन हमारा क्रीम कलर। अब हमें वन रेड से लेकर वन क्रीम तक की डिज़ाइन को रिपीट करना है। ये हमारी रो 16, और इसमें देखिए रेड कलर से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन फंदे रेड। इस क्रीम को वन क्रीम, वन टू थ्री फोर फंदे रेड, वन टू थ्री फोर फंदे क्रीम के। अब हमें सेवन रेड से लेकर फोर क्रीम तक की डिज़ाइन को रिपीट करना है। ये देखिए 16 रो में मेरी ये एक डिज़ाइन बन के तैयार हो गई है। और इसके बाद फिर हम रो 1 से लेकर रो नंबर 16 तक की डिज़ाइन को बार बार रिपीट करेंगे। और देखिए ये हमारी ये एक डिज़ाइन बनी है, और इसी डिज़ाइन को मैंने बार बार रिपीट किया है। तो ये देखिए हमारी कितनी खूबसूरत और प्यारी सी ये तिरछी तिरछी डिज़ाइन बन के आ गई। मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि ये डिज़ाइन आपको कैसी लगी। थैंक यू।